गुड मॉर्निंग। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? सेंसस रिपोर्ट 2011 पढ़ रहे थे ना। चलिए और हमें उनके आज आंकड़े देखना था ना, ना? ठीक है, चलिए लिखिए। सेंसस रिपोर्ट 2011 मैंने इसका शुभांकर या मैस्कॉट बता दिया था। क्या था? प्रांगणक शिक्षा। और क्या था इसका मोटो या ध्येय वाक्य? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। फिर मैंने इसके बाद क्या बताया था कि भारत की जनसंख्या कितनी है, बताइए कितनी जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग? कितनी? 2100 करोड़। ठीक है, बताया था। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। ये टोटल पॉपुलेशन थी हमारी कुल भारत की, कितनी थी? 2100 करोड़ थी। ठीक है, जो प्रतिशत में देखा जाए तो पूरे विश्व की कितने प्रतिशत थी? 17.5। ठीक है, अगर 10 साल की वृद्धि दर देखें भारत की तो कितनी थी? हाँ, भारत में 10 साल में कितनी वृद्धि हुई थी 2011 एक से 2011? 17.7। ठीक है, और हमारे एमपी में मैंने बताया था कितनी हुई थी? 20.3%। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? पॉपुलेशन डेंसिटी सब बताया था ना कल मैं आपको, कितनी थी? 382। और हमारे एमपी में 236। और बताइए क्या बताया था पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद? सेक्स रेशियो बताया था, कितना था सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो भारत में कितना था? कितना था सेक्स रेशियो? नहीं बताया था तो लिख लीजिए। आज सेक्स रेशियो मतलब होता है लिंगानुपात, है ना। लिंगानुपात कितना सेक्स रेशियो है भारत में? भारत में लिखिए 1084। नहीं नहीं सॉरी, लिखिए 943। ये भारत का सेक्स रेशियो है लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। ये 2011 का डाटा है, मगर अभी जो हाल ही में NFHS की रिपोर्ट आई है, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार, इसको लिखिए, ये वर्तमान में है, करंट में, प्रेजेंट में कितनी है? कितनी है प्रेजेंट में, कोई बताएगा? 1020 हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, करके लिखिए। मतलब 1000 पुरुषों में अब 1020 महिलाएं हो गई हैं। ठीक है, ये डाटा है भारत का। ठीक है, और अगर हम एमपी की बात करें, एमपी की, एक काम करिए टेबल बना लीजिए, रुकिए, है ना, एक टेबल बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं ये बता देता हूं, फिर अपन स्टेट शुरू करते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लीजिए, यहां पे लिखिए इंडिया और यहां पे लिखिए एमपी। यहां पे लिख लीजिए सेंसस, पहले जनसंख्या लिख लीजिए, पॉपुलेशन, जनसंख्या या पॉपुलेशन कितनी है भारत की? 2100 करोड़, है ना। ये कब का डाटा है? 2011 का। और हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7, मोबाइल नंबर जैसे याद रखिए, 7 26 26 809। ये करोड़ में है ये डाटा, है ना। ठीक है, क्लियर। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जनसंख्या घनत्व
फिर अभी हम देखते हैं कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, कौन से राज्य में है। जनसंख्या घनत्व, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का जनसंख्या घनत्व, बोलिए 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारे एमपी में कितनी है, 236 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद लिखिए लिंगानुपात। सेक्स रेशो कितना है भारत में, 943। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कितना है, 931। ठीक है, मगर ये किस पे है, 2011 का डाटा कहता है। ठीक है, कौन सा डाटा है, 2011 का, बट अभी करंट रिपोर्ट आई है NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार अब जो भारत में जो हो गया है वो कितना हो गया है, सेक्स रेशियो 1020। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रखिए, करंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो भारत में केरल राज्य सेक्स रेशियो में सबसे आगे है। ठीक है, जहां पे 1084 है, 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। और हमारे यहां पे देखा जाए, अच्छा मध्य प्रदेश में भी देखा जाएगा इस रिपोर्ट के अनुसार, तो कितनी हो गई है, 956, मतलब 1000 में 956 महिलाएं हैं। ये डाटा है अभी करंट का। ठीक है, यहां अगर अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर यहां पे राज्य पूछेगा तो केरल है, सबसे कम हरियाणा है 2011 के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है। और यहां पे अगर देखा जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो में बालाघाट है। ठीक है, और सबसे कम जो बोले वो क्या है, भिंड है। मगर जो नई रिपोर्ट आई है, नई रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहां पे सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो देखने मिला है वो कहां पे देखने मिला है, खंडवा में। कहां पे देखने मिला है, खंडवा में। ठीक है, और सबसे कम जो देखने मिला है वो कहां देखने मिला है, दतिया। मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर। ये अभी बस आप याद रखिए, 956 क्लियर हुआ। इसके बाद और क्या बताया मैंने आपको, साक्षरता, साक्षरता दर या लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कब मनाते हैं, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है भारत में, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, 73% लोग पढ़े हुए हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में 69% लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक लाइन नीचे करके लिखिए आप, 2011 की जनगणना में, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो पढ़े लिखे भी हैं उनको निरक्षर माना गया है, मतलब इलिटरेट माना गया है। समझ में आया, एक यहां पर नोट करके लिख लीजिए, 500 की नोट करके लिखिए, और क्या लिखिए कि 0 से 6 वर्ष के साक्षर, जो साक्षर है, साक्षर बच्चों को भी निरक्षर या इलिटरेट माना गया है। ठीक है, मतलब इनको शामिल नहीं किया गया, अगर ये पढ़े लिखे भी है ना तो इनको साक्षर में नहीं किया गया, जो 7 साल की आयु पार कर चुके हैं उनको साक्षर माना गया है 2011 की जनगणना में। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है। और 73% लोग हमारे भारत में पढ़े हैं और 69% हमारे एमपी में पढ़े हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर लिखिए, पॉपुलेशन डेकेड्स ग्रोथ 10 किए, वृद्धि दर
डेकेड्स ग्रोथ कितनी थी यहां पे भारत में? भारत में हुई थी 17.7%। इतनी ग्रोथ देखने मिली थी हमें कब से कब तक? 2001 से 2011। एमपी में कितनी देखने मिली थी? मैंने बताया था भारत का लकी नंबर है 7, क्योंकि दिल्ली कितने बार लूटी है? 7 बार। पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7। 1947 7 आ रहा है मगर देश का बजा दुआ है 7, तो 7 याद रखिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश का लकी नंबर कितना है? 5, तो यहां पे आएगा 5, तो आपको 5 याद रख लीजिए। अगर फसल कितनी फसल का वर्गीकरण है? 5। मिट्टी कितनी पाई जाती है? 5। 1956 आया मतलब मध्य प्रदेश कब बना होगा? 1956 है मतलब 5 आ रहा है, तो 5 से लकी। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। क्लियर, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्या बचा हमारा? साक्षरता दर हो गया। चलिए और लिखिए, और क्या बचा? एक बार और बनाइए। शिशु लिंगानुपात देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशो, शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो इसमें भारत का कितना है? कितना है बताइए? 919। और यहां पे कितना है? 918। चाइल्ड सेक्स रेशो किसको लिया जाता है? जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे तक। क्लियर, समझ में आया है कुछ डाटा, है ना? और क्या बचा? और कुछ बचा? हाँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य लिखिए। जनसंख्या वाला राज्य स्टेट कौन सा है? कौन है? यूपी। 20 करोड़ जनसंख्या है, 2011 की है ये, अभी की नहीं है, है ना। और अगर एमपी में देखा जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य वो जिला कौन सा है? इंदौर, ठीक है। चलिए, ये कुछ आंकड़े थे, इनको लिख लीजिए, काम आएंगे आपके, एक बार और देख लीजिए। हमने देखा जनसंख्या कितनी है भारत की? 121 करोड़, है ना, जो पूरे विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 17.7। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 7.26, जो पूरे भारत की कितनी है? 6% है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व देखा जाएगा तो 382 है, कितनी है? 382 है भारत में और 236 है मध्य प्रदेश में। सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो है 943 है 2011 की जनगणना के हिसाब से, मध्य प्रदेश में है 931 और जो नई रिपोर्ट आई है उसके तहत 1020 और यहां पे है 956। साक्षरता दर देखा जाए तो 73% लोग पढ़े लिखे हैं कहां पे? भारत में। और हमारे मध्य प्रदेश में 69% लोग पढ़े हैं। इसके बाद हमने देखा कि दशकीय वृद्धि दर जो देखा गया वो 17.7% देखने मिली और मध्य प्रदेश में 17.5 देखने मिली, है ना। इसके बाद हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा जो 919 है और एमपी में कितना है? 918। इसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर देखा जाएगा तो यूपी है, 20 करोड़, और हमारे यहाँ पे कौन सा जिला है? इंदौर। क्लियर, चलिए अब लिखिए, अब लिखिए भारत के, लिखिए भारत के सबसे, भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य, भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन कौन से, उसके लिए एक कोड लिखिए, एक ट्रिक लिखिए।
क्या लिखिए, उमा उमा बाबू मा, इसको लिखिए उमा बाबू मा। ये कोड है जो बता रहा है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर में कहां पर है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर में कहां पर है, बिहार। चौथे नंबर में कहां पर है, बंगाल। और पांचवें नंबर पर है कहां पर, मध्य प्रदेश। क्लियर। उत्तर प्रदेश कितनी, 20 करोड़। ये सब 2011 के आंकड़े हैं। कब के आंकड़े हैं, कब के, यहां पे लिख लीजिए 9 करोड़, 8 करोड़, 1 करोड़। का तो आप जानते ही हो, इसको लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मगर एक चीज आप यहां पे याद रखिए, मध्य प्रदेश वर्तमान में, यहां एक करके लिख लीजिए, वर्तमान में ये प्रेजेंट में 5वां नंबर है जनसंख्या में, ठीक है। मगर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का 6वां रैंक है। यहां पे करके लिखिए, यहां पे लिखिए अकॉर्डिंग टू 2011 रिपोर्ट, मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, 6वीं, ठीक है। समझ में आ रहा है, 2011 से अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश जनसंख्या में कौन से नंबर पर है तो क्या बोलोगे, 6वां नंबर में। मगर वर्तमान में कौन सा नंबर है, 5वां। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 जून 2014 को एक राज्य बन गया जिसका नाम है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके, तो वो हमारी जगह ले लिया, हम उससे ऊपर आ गए, तो हमारा रैंक हो गया कौन सा, 5वां। ये 2014 के बाद हुआ है। 2014 के पहले अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश की रैंक जनसंख्या के हिसाब से क्या है तो आप क्या बोलोगे, 6वीं। मगर वर्तमान स्थिति में अगर पूछेगा कि एमपी की रैंक क्या है तो आप क्या बोलोगे, 5वीं। क्लियर। क्यों, क्योंकि समझ में आ गया, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बन गया, जब वो बन गया तो वो क्या हो गया, हमसे, हम उससे ऊपर हो गए और वो हमसे नीचे चला गया। तो इससे पहले आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश था ना, तो वो 5वें नंबर में था और हम 6वें नंबर में थे। क्लियर। तो ये कोड है किसका, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य का, यूपी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है बंगाल और फिर है मध्य प्रदेश। क्लियर, लिख लीजिए इसको। अब लिखिए सबसे कम, अब एक तो क्या हो गया, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने मिलती है, अब जहां पे सबसे कम लिखिए, भारत में, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, कौन से, कोई बताएगा, हाँ तो लिख लीजिए ट्रिक। ट्रिक क्या है, सिमी अगेन, क्या है, सिमी अगेन, मतलब सिक्किम, मां से है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा और फिर नागालैंड, ठीक है। समझ में आया क्या कोड है हमारा, अगर आपसे पहला पूछ ले, दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, पांचवा पूछ ले, तो भी आपको बन जाएगा। मगर ये डाटा कब तक के लिए है, जब तक डिजिटल जनगणना नहीं हो जाती, जिस दिन हो जाएगी उस दिन इसको आप, आपके लिए डाटा फिर कोई काम का नहीं रहेगा, है ना। इसलिए जब तक वो आ रही है उससे पहले आप क्या कर लीजिए, जॉब ले लीजिए, है ना, नहीं तो नया डाटा फिर याद करने के लिए फिर तैयार रहिए। तो सिमी अगेन कितनी जनसंख्या है, 6,00,000,
6,10,000 जनसंख्या है यहाँ की सिक्किम की। समझ में आ रहा है? प्रेम सिंह तमांग यहाँ पे क्या है? सीएम है, ठीक है। मिजोरम, ठीक है, फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है और फिर नागालैंड है। तो सबसे कम जनसंख्या देखने मिलती है सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड, है ना। ये लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ये 1975 में बना था, ये देखा जाएगा तो 1987 में बना था ये राज्य, ये आएगा तो ये भी 1987 में बना था, ये तो 1961 में पुर्तगाल से आजाद हो गया था मगर इसको जो दर्जा दिया गया वो 1987 में दिया गया, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और नागालैंड ना आ रहा है मतलब 3 आएगा, 1963 में बना था, ठीक है। यहाँ के हरी बाबू है, 1-1 40 सीट है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश इसको नेफा बोला जाता है, 2-1 60 यहाँ की सीट है, पेमा खाड़ू, ठीक है, और बीडी मिश्रा यहाँ पे राज्यपाल है, और ये गोवा है यहाँ के राज्यपाल है श्रीधर पिल्लई साहब है, और यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है कितनी है गोवा में? 60 नहीं 40 है, यहाँ पे 2-1 40 है, कितनी है 2-1 40, ठीक है। अभी यहाँ पे चुनाव हुए थे याद रखना, 40 सीट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2-1 60 है, ठीक है। और कौन बन गए यहाँ पे सीएम? प्रमोद सावंत जी और श्रीधर पिल्लई साहब है यहाँ पे, है ना, याद रखिए। 40 सीट है, 40 विधानसभा सीट यहाँ पे 40 है, चुनाव हुए थे अभी, 5 राज्यों में हुए थे ना, UUPMG, है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। चलिए तो ये हो गया हमारे सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, क्लियर। एक बार आप इसको देख लीजिए, क्या देखे हमने? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य बोलिए क्या है, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, क्या है? उमा बाबू मां, क्या है? उमा बाबू मां, तो ऊ से आता है उत्तर प्रदेश जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर आता है मां से महाराष्ट्र, फिर कौन सा है? बिहार, फिर कौन सा है? बंगाल, और फिर कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वर्तमान में 5वें नंबर पर है मगर 2011 की जनगणना के हिसाब से 6वें नंबर में है, तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हो गए और मध्य प्रदेश का रैंक हो गया 5वां और 6वां, याद रखना है, क्लियर। इसके बाद सबसे कम अगर हम देखते हैं तो उसका कोड है सिमी अगेन। सिमी अगेन क्या बोल रहा है? अगर देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या अगर देखने मिलती तो कहां पर? सिक्किम। कितनी? 6,10,000। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद गोवा, और उसके बाद नागालैंड, क्लियर। ज्यादा ज्यादा आपके एग्जाम में बस ये पूछेगा कौन सा पहला राज्य जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में और सबसे कम कौन सा है, क्लियर। अगला लिखिए, दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, माने डेकेड्स ग्रोथ है ना, भारत की बात कर रहे हैं ना, भारत के, भारत में ही है ना। लिखिए ट्रिक, जहां पर सबसे ज्यादा 10 साल में वृद्धि देखने मिली है, मतलब 2001 से 2011 तक कितनी 10 साल की यहां पर वृद्धि देखने मिली है, तो ट्रिक लिखिए उसकी। क्या ट्रिक है? मैं अब जमी, क्या है? मैं अब जमी, तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर देखने मिला वो कहां मिला है? मेघालय, मेघों का शहर कहते हैं, मेघों का राज्य मेघालय। इसके बाद क्या है ये? इसके बाद कहां देखने मिला है? बिहार। और इसके बाद जम्मू, और फिर है
यहाँ पे 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखने मिला है। परसेंटेज में पूछा जाता है मेघालय बता देना 27 और 27 के बाद क्या आता है 26 और 26 के बाद क्या आता है 25 25 के बाद 24। ये प्रतिशत में है भाई, है ना, कुछ और में मत समझ लेना, प्रतिशत में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई है किस राज्य में, हुई किस स्टेट में, तो आप क्या बोलोगे मेघालय, ठीक है। कोर्नट संगमा जी है और कौन है यहां पे, सत्यपाल मलिक जी है, 2160 यहां की सीट है, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, 1972 में बना था, 21 जनवरी 1972, अरुणाचल प्रदेश तो आपको बता चुका 1987, बिहार कब बना कोई बताएगा, 1912 में ही डिसाइड हो गया था। जम्मू अगर देखा जाए तो कब बना था, 26 अक्टूबर 1947, और मिजोरम तो आपको बता चुका हूं 1947, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होगा, जहां पे 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुए हैं वो राज्य, ठीक है। जैसे अभी हम राज्यों को पढ़ रहे हैं, इस तरह हम जब एमपी की जनगणना पढ़ेंगे तो जिले को पढ़ेंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोग को। चलिए तो अब लिखिए, तो 10 साल में वृद्धि दर वाले राज्य हो गए, अब भारत के 10 साल में वृद्धि दर सबसे कम कहां देखने मिली है उसका कोड लिखिए। अब लिखिए सबसे कम 10 की है वृद्धि दर, लिखिए एक ट्रिक, कहां पे हुई है कोई बताएगा, इसका कोड है सीधा सीधा NKG, मतलब नागालैंड, कश्मीर और क्या है गोवा, -0.58 यहां पे वृद्धि देखने मिली है, ना आ रहा है नागालैंड से, तो आप ट्रिक से याद रख लीजिए यहां पे नेगेटिव जाएगी। क्वेश्चन आया है कि किस राज्य में भारत में नेगेटिव वृद्धि दर देखने मिली है, तो नागालैंड मतलब क्या आता है नेगेटिव ऋणात्मक, तो ना से नेगेटिव याद रखिए, तो कहां आई है नागालैंड में, कितनी -0.58 यहां पे आई है। इसके बाद कश्मीर, कश्मीर के बाद गोवा, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पे हमें सबसे कम वृद्धि देखने मिली, मतलब यहां पे वृद्धि हुई नहीं है और जनसंख्या क्या हुई है यहां पे घटी है, मतलब माइनस में आ गई है, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी पूछता है इस पे परसेंटेज, पहले का तो पूछता है, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, हमने क्या देखा कि भारत में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर वाले राज्य, ये डेकेड्स ग्रोथ स्टेट 2011 या 2001 से 2011 के बीच में, मैंने आपको क्या बताया, मैं अब जमी मतलब क्या है, मेघालय में सबसे ज्यादा 10 साल की वृद्धि दर देखने मिली, कितने प्रतिशत 27%। उसके बाद अब से है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है बिहार, और उसके बाद है जम्मू, और जम्मू के बाद है मिजोरम, क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगर हम आगे देखे जाए तो आगे देखा जाए सबसे कम वृद्धि दर जो हुई है वो कहां हुई है, उसका कोड है NKG, मतलब नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है कोहिमा, नेफ्यू रियो है यहां पे और जगदीश मुखी राज्यपाल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नागालैंड, नागालैंड कश्मीर, कश्मीर के बाद गोवा, ठीक है। चलिए अब लिखिए जनसंख्या घनत्व, भारत के ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, लिखिए भारत के भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, क्या होती है डेंसिटी बताइए, कोई फिजिक्स से नहीं है यहां पे,
पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है कोई बताएगा? क्या होता है? एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है केजी, केजी बटे मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान को हम कैसे नापते हैं? केजी से नापते हैं ना, और जो आयतन या वॉल्यूम होता है उसको कैसे नापते हैं? मीटर क्यूब से, यूनिट है उसकी, इकाई है, ठीक है। लिखिए, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, भारत की जनसंख्या घनत्व पता है ना 382, और मध्य प्रदेश कितनी बताया 236। अब हमारे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है वो देखते हैं, तो उसका कोड लिखिए, ट्रिक लिखिए, कहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि होगी, जहां पे जनसंख्या घनत्व देखने मिलता है, क्या कोड है? बापू के उत्तर है, बापू के उत्तर है। इसी तरह मैं हिमालय, हिमालय का भी बता दूंगा आपको, आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं कि नेपाल किन किन बाहर के किन किन देश को टच करता है, तो मैं उसका सब कोड बता दूंगा, तो आपको एक अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो लिखिए, बापू के उत्तर है, बापू के उत्तर है, मतलब क्या बोलेगा? सबसे ज्यादा जहां पर जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने मिलेगी। हमारे यहाँ कहाँ देखने मिलती है कोई बताएगा? हमारे यहाँ मतलब एमपी में, कहाँ पे? एमपी में कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिलती है? भोपाल भाई 855, और सबसे कम कहाँ पे? डिंडौरी में 94 वर्ग किलोमीटर में आपको देखने मिलेगा, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने? सिर्फ 94 लोग आपको वहां पे देखने मिलेंगे। ये 2011 का डाटा है, ठीक है। चलिए बताऊंगा जब एमपी पढ़ाएंगे। लिखिए, बापू के उत्तर है, बापू मतलब क्या हो गए? बिहार, फिर बाद से कौन आते हैं? बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ जी हैं यहां पे, और फिर आते हैं कौन? केरल। सबसे पहला जो मानसून आता है कहां पे आता है? केरला में आता है। कौन है यहां पे? फिर है यूपी, और यूपी के बाद है हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है यहां पे, कहां पे? हरियाणा में, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कितना देखने मिलता है यहां पे? नीतीश कुमार की सरकार है यहां पर, जिनकी पार्टी का नाम क्या है? जनता दल, ठीक है। और फागू चौहान जी यहाँ के क्या है? राज्यपाल है, ठीक है। 42, 16, 243 यहाँ पे सीट है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट। उसके बाद हम बात करते हैं बंगाल, तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनी थी, ममता बनर्जी जो भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री रही है, और जगदीप धनखड़ जी यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। और 42, 16, 293 यहाँ पे क्या है? सीट है। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे? केरल, केरल में कितने हैं? 20, 9, 148 सीट है, और कौन है केरल में? ना क्या केरल के सीएम कौन है बताइए? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद, ठीक है। और 20, 9, 148 यहां पे क्या है? सीट है। लिख लीजिए, इसी की तरह से तैयार होता जाएगा आपका। 42, 16, 243 ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये विधानसभा है। इसी प्रकार इसका भी लिख लीजिए, बंगाल का, और यहां पे 40 लिखिए, 42, 16, 293। केरल का लिख लीजिए 20, 20, 9, 148, है ना। और यूपी का लिखिए, सबसे ज्यादा यूपी में चुनाव हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कितना? 31, 80, 403। योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम है अजय विशिष्ट, गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं ये, है ना, जो भविष्य के पीएम होंगे भारत के आने वाले समय में, ये मेरा प्रेडिक्ट है ना, योगी आदित्यनाथ। और हरियाणा, हरियाणा के कौन है? मनोहर लाल खट्टर। 5, 11, 90 सीट कितनी है? 5, 11, 90 बनवारी लाल पुरोहित,
यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, लिख लीजिए। तो भैया हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिलती है, वो देखने मिलती है कोड है बापू के उत्तर में, मतलब बिहार, बंगाल, केरल, यूपी, हरियाणा। क्लियर। अब यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व देखने मिला तो सबसे कम भी होंगे, तो कौन से राज्य में है लिखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? लिखिए इसकी भी ट्रिक। क्या है इसका कोड? अमीशी। क्या कोड है? अमीशी। जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने मिला है, ए से है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मां से है मिजोरम, और सा से है और इसका प्रतिशत लिख लीजिए कितने प्रतिशत में है, 17 में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां देखने मिलेगा हमें, अरुणाचल प्रदेश में, कितना, 17। समझ आ रहा है? और दूसरे नंबर में देखने मिलता है मिजोरम, और तीसरे नंबर में देखने मिलता है सिक्किम में। और ये वहां की सीट लिख लीजिए, कभी अगर बड़ा एग्जाम अगर आप देने जाते हो तो ये मैच द कॉलम में आता है, जब कभी एमपीपीएससी यूपीएससी दोगे आप, इस सारे स्टेट की एक एक वहां पे लोकसभा कितनी है, विधानसभा कितनी है, ये मैच करने आता है। ठीक है, और ये सीट तो अभी पूछ सकता है जहां पे चुनाव हुए हैं, वहां की विधानसभा सीट कितनी है। चलिए हो गया, देखिए क्या देखिए, हमने सबसे ज्यादा जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होगा तो कहां पर है अगर पूछेगा, कौन से, बिहार में। कितना है, 1002। कोड क्या है हमारा, बापू के उत्तर है। क्या है, बापू के उत्तर है ना। फिर मैंने क्या बताया था, बंगाल। फिर क्या बताया हूं, केरल। फिर यूपी, और फिर हरियाणा। क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां देखने मिलेगी, कहां पे, अमीशी। अमीशी कोड है, अमीशी मतलब अरुणाचल प्रदेश। कितनी, 17। इसके बाद मिजोरम, और इसके बाद, ठीक है, क्लियर। ये हो गया है ना। अब क्या बचा, टैक्स रेशियो बता दिया, सबसे ज्यादा टैक्स रेशियो वाले राज्य कौन से हैं, नहीं बताया ना, फिर क्यों बोले, बता दिया। लिखिए सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले, सॉरी लिंगानुपात वाले राज्य। सेक्स रेशो में है ना, कितना है भारत का सेक्स रेशो, 943। एमपी में 931। सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहाँ का है बताइए, कहाँ का है, अभी बताया था ना कहाँ का है, बताइए सबसे ज्यादा सेक्स रेशो लिंगानुपात में कौन सा राज्य है,
बताइए भाई, जहां पढ़े लिखे लोग अच्छे रहेंगे वहीं पे सेक्स रेशो सबसे अच्छा रहेगा, केरल। लिखिए कोट, कितनी अच्छी मां। मतलब केरला, तमिलनाडु है ये, है ना, तमिलनाडु। कितना है लिंगानुपात यहां पर, 1084। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, और फिर आता है मणिपुर। और केरला का तो आपने लिखी चुका है 20,948। क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आपको, क्या है ये लोकसभा, ये क्या है राज्यसभा, और ये क्या है विधानसभा, है ना, हर जगह यही है, इसी क्रम में लिखिए। तो ये है जहां पे सबसे ज्यादा आपको लिंगानुपात देखने मिलेगा, ठीक है, सेक्स रेशियो देखने मिलेगा। क्या है कोड, कितनी अच्छी मां, सबसे ज्यादा केरल में, फिर कहां पे तमिलनाडु में, फिर कहां पे आंध्र प्रदेश में, ये साइलेंट है ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर कहां पे मणिपुर में। अभी क्या हो गया, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य हो गया, अब सबसे कम लिंगानुपात वाला भी राज्य होगा, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात कहां देखने मिलता है, हरियाणा में। तो कोड क्या है, हद से पाऊं, लिख लीजिए सबसे कम, हाँ से है क्या, कितना है 8, दूसरा है 8, तीसरा है सिक्किम, पांचवा है पंजाब, और ये क्या है इसकी बता चुका हूं मैं, आप कितनी सीट है बताइए, 5, 11, 90। कश्मीर में भी परसिमन चल रहा है, मगर आप लिखना चाहते होते तो आजकल बढ़ चुका है, यहाँ की विधानसभा सीट 87 है, पर यहाँ पे परसिमन चल रहा है, डीलिमिटेशन चल रहा है, उसके तहत यहाँ पे 7-8 सीट और बढ़ने का है ना, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को कब अलग कर दिया गया था बताइए, अब यूटी बना दिया गया है इसको, केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य था पहले कब किया गया था बताइए, 31 अक्टूबर 2019 को घोषणा हो गई थी कि यहां से अब क्या होगा, ये दोनों को एक यूटी बनाया जाएगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर 2019 की बात है ये। जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग भाग में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर था तो अब उसको जम्मू को अलग कर दिया गया, और लद्दाख को, सॉरी
जम्मू एंड काश्मीर जो था ना, एक को जम्मू बना दिया गया और एक लद्दाख बना दिया गया, तो दो यूटी क्रिएट हो गई थी, है ना। तो विधानसभा सीट अभी यहां पे 87 और यहां पे एक करंट से लिख लीजिए, यहां पे परसिमन चल रहा है या डीलिमिटेशन, परसिमन यहां पे चल रहा है, तो यहां पे देसाई जी की अध्यक्षता में चल रहा है, देसाई इसके अध्यक्ष है, कौन, देसाई जी, ठीक है। और गिरीश मुर्मू यहां पहले राज्यपाल थे, वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा, कौन है, मनोज सिन्हा, ठीक है। और अभी विधानसभा डिसाइड ही नहीं हुई, तो अभी यहां के सीएम नहीं है, पहले महबूबा मुफ्ती थी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आती थी, ठीक है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, कभी बताएंगे कश्मीर की। सिक्किम की तो आपको मैंने बता चुका, 1-1, 32। पंजाब, पंजाब में चुनाव हुए हैं आजकल, यहां पे आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जो कि इस बार कितनी सीट से आई थी, 93 सीट से आई थी, मतलब यहां पे सीट जो है वो कितनी है, 13-7, 117 सीट है यहां पे, 13-7, 117 सीट है, 117 में 93 में आम आदमी पार्टी आई थी, 2012 में बनी थी, अरविंद केजरीवाल, नाम सुने होंगे आपने, 93 सीट में, तो भगवंत मान बन गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का, ठीक है, पंजाब। और यहाँ के अगर पहले दलित सीएम पूछेगा तो उनके पहले थे चन्नी सिंह, अकाल दल पार्टी भी कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है, अकाली दल कहते हैं, ठीक है। तो 13-7, 117 यहाँ पे सीट है, और 117 में से 93 सीट में भगवंत मान जी अब यहाँ पे सीएम है, ठीक है, कौन सी पार्टी के, आम आदमी पार्टी, ठीक है। और इसके बाद आती है उत्तराखंड, चुनाव हुआ है, कितनी सीट है, 5-3, 70, कौन है यहां पे, पुष्कर सिंह धामी सीएम है, और राज्यपाल कौन है, गुरपील पाल सिंह, ठीक है। और यहां पे भी बीजेपी आई है, ठीक है, बीजेपी है, और यहां पे कौन है, आम आदमी पार्टी, 2012 में बनी थी और 6 अप्रैल 1980 में बनी थी भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ को खत्म करके बनी थी, ठीक है, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। इससे पहले इनका चिन्ह जो था वो क्या था, जलता हुआ दीपक, ठीक है। और आम आदमी पार्टी का क्या है आपको पता है, झाड़ू, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य वो है हरियाणा, क्लियर, समझ में आया, तो एक बार देख लीजिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, ये सेक्स रेशियो अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एक कोड है, कितनी अच्छी माँ, केरल बोल दीजिए, कितना, 1084, हमारे यहां पूछेगा तो बालाघाट 1021, उसका कोड भी बताऊंगा मैं बाम डी करके, ठीक है। और उसके बाद अगर यहां पे आएगा तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा तो छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा तो मणिपुर, इसके बाद अगर मैं बताऊंगा सबसे कम देखा जाएगा तो कोड है हक से पाऊं, हरियाणा 879, कश्मीर चश्मे शाही झील यहीं पर है, ठीक है, मर्दन शाह ने बनवाया था, सिक्किम, पंजाब और फिर उत्तराखंड, इस प्रकार से ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है, साक्षरता दर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं, उसका कोड क्या है, केमी गोत्र, मतलब कहां पर है, केरल, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आप लोग, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, एक बार और देखिए, हमने देखा था भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उसका कोड क्या है, उमा बाबू मा, तो क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश 20 करोड़, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है बंगाल, पांचवा है एमपी, वर्तमान में हमारे 2011 की जनगणना हिसाब से छठवा है। इसका हमने बताया सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य का कोड क्या है, सिमी अगेन, सिक्किम 6-10, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। इसके बाद हमने देखा कि 10 साल की जो वृद्धि दर हुई वो सबसे ज्यादा कहां पे हुई, मैंने बताया मैं अब जमी तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और फिर क्या है, मिजोरम। और कितनी हुई है, 27 के बाद 26-25 बस आपको करना है, प्रतिशत में है। इसके बाद सबसे कम अगर देखा जाए तो कहां पे देखा जाएगा, नागालैंड, कश्मीर और गोवा, कोड है एनकेजी। इसके बाद अगर देखा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो क्या बोलोगे, बापू के उत्तर है, तो बिहार, बंगाल, केरल, यूपी और हरियाणा 1102। और इसके बाद अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर देखे जाएंगे तो क्या है, अमीशी,
अमीशी मतलब अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम उसके बाद है सिक्किम। उसके बाद हम लिंगानुपात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो कितनी अच्छी मां, तो केरल, तमिलनाडु, फिर क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मणिपुर, और हक से पाऊं मतलब हरियाणा, कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात देखने मिलता है। क्लियर? सबकी विधानसभा सीट, राज्यसभा, लोकसभा सीट याद हुई? एक बार पूरे पूरे स्टेट की मैं आपको लाइन से लिखवा दूंगा, एक टेबल बनवा दूंगा, कहां के प्रेजेंट में सीएम है, क्या है और क्या सीट चल रही है वहां पर। ठीक है, बाकी इतनी क्लियर हुई, बाकी हम कल आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का देखेंगे और उसके बाद हम कल एमपी का शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं क्या, पंचायती राज, कैसे नगर परिषद बनता है, कैसे जिला पंचायत बनते हैं, क्या होते हैं, 10 लाख में एक सांसद होता है, क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी करंट का टॉपिक है, आज ही का करंट है, क्या है कि अब महापौर का जो इलेक्शन होता है मेयर का, वो क्या हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ना कि प्रत्यक्ष। अभी तक क्या होता था, प्रत्यक्ष चुनता, जिनको जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। लोकसभा कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। सरपंच का चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब उप सरपंच का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। पंचों का चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। गांव में जब एक व्यक्ति वोट डालने जाता है तो उसकी वोट 3-4 जगह पड़ती है, ना कि सिर्फ सरपंच के लिए पड़ती है। मैं सब आपको बताऊंगा क्या होती है ग्राम सभा और सारा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन वहां पे एक गवर्नमेंट अधिकारी रहता है, कौन वहां पे गवर्नमेंट वर्कर रहता है, क्या काम रहता है, सारी चीज करंट से रिलेट कर करके हम बताएंगे, है ना। यहाँ पे इसको इसको तो मैंने लिखवा दिया है, एक चीज बस इसको याद रखना, जो ये 2011 का डाटा था, मगर करंट के हिसाब से अभी जो भारत का सेक्स रेशियो जो हो गया वो कितना हो गया है, 1021 1020 कहाँ का हो गया, भारत का, और 956 हो गया है मध्य प्रदेश का। ये कौन सी NFHS रिपोर्ट कह रही है, 5। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ देखने मिलेगा, नया वाला, नया वाला तो याद रखिए खंडवा में, खंडवा में। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो कहां बोलोगे, दतिया। ये NSF रिपोर्ट 5 के अनुसार, ज्यादा तो आप इससे पढ़ भी सकते हो, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है, जो कुल प्रजनन दर कहलाता है। ठीक है, ये सब चीज को अपडेट रही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, चलिए, थैंक यू।